नमस्कार। आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूं। पेश है आज के मुख्य समाचार। ऐतिहासिक गुरदासपुर साहिबानों की विरासती की संभाल का कमेटी के प्रधान सरदार अवतार सिंह मक्कड़ ने लिया फैसला। गुरदासपुर में देना बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने की मैनेजर की हत्या। तरनतारन पुलिस कांग्रेसियों को फंसा रही है, कहा हरविंदर सिंह गिल ने। अब खबरें विस्तार से। स्थानिक सरकार, डॉक्टरी शिक्षा और खोज मंत्री पंजाब श्री अनिल जोशी ने कोर्ट रोड पर स्थित ग्रीन प्लाजा मार्केट का दौरा किया। इस दौरान श्री जोशी को दुकानदारों ने श्री मानव तनेजा की अध्यक्षता में अपनी मुश्किलों से जागरूक करवाया। इस मौके पर श्री जोशी के साथ अलग अलग विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री जोशी ने उन्हें आ रही मुश्किलों को हल करने का आश्वासन दिया। इस पर विजय हंस, सुरेंद्र टिंकू, रवि जोड़ा, विजय कुमार, पप्पू कुमार, सुनील कुमार आदि उपस्थित थे। सीवरेज का काम जरा बुधवार तो शुरू हो जाएगा, उस तो बाद कंक्रीट की पूरी गली बनानी है, उस तो बाद लाइटा लानी है। बाकी इन्होंने सब ने मेरा वादा किया बिल्कुल साफ सुथरी खुली रखा, एनक्रोचमेंट नहीं करा, सफाई रखा, बिन लावे, पूरा ये मॉडल पेश करा भी मार्केट सब तो साफ सुथरी। ग्रीन प्लाजा मार्केट जो मेरे इलाके की पैदी है, प्लस पिछले यासीन रोड का इलाका पैदा, क्योंकि सीवरेज की प्रॉब्लम इतने बहुत ज्यादा पुरानी सी, क्योंकि मार्केट है और चलती मार्केट है, गड्डिया का रश कह लो और सीवरेज करके प्रॉब्लम बहुत देर तो चलती। असं ग्रीन रोड की रिक्वेस्ट की सारे प्रधान जी ने नाल जाके सारे ने इकट्ठे गए सी ने आज इसका कार्यक्रम रखिया, सारे अफसर नाल लैके आए सीवरेज रोड के और व्डा सीवरेज पा के और इन्हों की मुश्किलों को याद दवाई है। प्लस सीवरेज के नाल जो सीवरेज पैजूगा पूरी कंक्रीट की सड़क बनेगी और लाइटा लगन गियाँ, पूरी अच्छी मार्केट का एक स्वरूप बनेगा, ताकि चंडीगढ़ वगन या दिल्ली वगन या बॉम्बे वगन अभी इस मार्केट को देवे। तो मैं इस गल के मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना जिन्होंने साड़ी एक वास्ते अपना इतने अपना कार्यक्रम रखिया और सारे अफसर किया। एक बार फिर थोड़े राही मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिबानों की विरासती इमारतों की संभाल और इसकी देख को इन बिन कायम रखने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत एक सब कमेटी का गठन किया गया। गुरुद्वारा साहिबानों की कार सेवा करने वाले संतों को गुरुद्वारा साहिबानों के मास्टर प्लान के मुताबिक ही कार सेवा करने की आज्ञा दी जाएगी। ये कमेटी ऐतिहासिक इमारतों की देख को कायम रखने के लिए कार्य करेगी, जिसको देखते हुए कमेटी के प्रधान सरदार अवतार सिंह मक्कड़ ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जिहड़ियां पुरातन इतिहासिक इमारतां ने उन्हां दे रख रखाव वास्ते बड़ी गंभीरता नाल विचार चर्चा की गई और जथेदार अवतार सिंह प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इस संबंध में एक वक्रा सैल कायम किया गया और श्रोमणी कमेटी मैंबर अहदेदार श्रोमणी कमेटी के अधिकारियों आधारित एक सब कमेटी का भी गठन किया गया है, जिहड़ी समुचे रूप च श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों वह सारिया जा रही इमारतां अते पुरातन जड़िया ने हिस्टोरिक बिल्डिंग ने उन्हां दे रख रखाव वास्ते सारी नज़रसानी जिहड़ी आ उह करनगियां। इस तरह ही जिहड़ियां मतलब पुरातन जिवें मतलब फतेहगढ़ साहब विखे माता गुजरी जी ते छोटे साहिबजादियां नाल संबंधित ठंडा बुरज टोडर मल दी हवेली जिहड़ी आ बड़ी इतिहास दे विच उन्हां दा निवेकला स्थान आ, जिहड़ी खंडर बन चुकी सी उसनों दोबारा सुरजीत किया जा रहा, चमकौर की गढ़ी नूं कच्ची गढ़ी जिहड़ी आ उस तरह ही पुरातन रूप विच उसारी गई जा रही है। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जिहड़े सिख कौम के बहुत वड्डे जरनैल ने उन्हां दी याद च फतेहगढ़ साहिब विखे एक म्यूजियम जिहड़ा है वह बड़ी वड्डी पद्धर ते तैयार किया जा रहा है, उहदा जिहड़ा काम आ अद्धों ज़्यादा हो चुका है और बहुत स्पीड दे नाल उह जिहड़ा काम चल रहा है। गुरु महाराज कारण उन्हां दी एक याद जिहड़ी है मुखलिसगढ़ लोहगढ़ हरियाणे दे विच भी जिहड़ी उन्हां दी राजधानी सिख राज दी उत्थे भी मतलब इस तरह की तस्वीर पेश करदी जिहड़ी इमारतां करियां जाणगियां और नाल ही ये भी है कि जिहड़ियां पुरातन इमारतां ने जिथे जिथे आम जाके ये दोष लग जांदा है कि
कार सेवा वाले जिहड़े आ पुरातन इमारतों के नक्श नुहार नूं जिहड़ी आ विगाड़ दिंदे आ ढा दिंदे आ। जथेदार अवतार सिंह उन्होंने यह भी मतलब यकीन पक्का किया है कि जिहड़ियां इस तरह दी इतिहासक इमारतां ने वो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है उस तो बाहर जाके कोई भी जिहड़ी आ वो इमारत नाल छेड़छाड़ ना की जाए और उन्हों का पुराना स्वरूप ही जड़ा है बहार रखा जाए। भारतीय यूथ फेडरेशन की तरफ से डीएवी कॉलेज अमृतसर में बीवाईएफ के प्रधान मिस्टर पारस जोशी की अध्यक्षता में मिस्टर गुरसेवक सिंह होंडल को दूसरी बार प्रधान, विक्रमजीत भाट को वाइस प्रधान, तरुण जोशी को जनरल सेक्रेटरी और बलराज बाली को सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। इस मौके पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री श्री अनिल जोशी के पीए श्री राकेश मिंटू ने बीवाईएफ के नवनियुक्त वर्कर्स को सरोपा डालकर सम्मानित किया। इस मौके पर संस्था की तरफ से कॉलेज को 40,000 के 25 नए पंखे प्रदान किए गए। इस अवसर पर अमन एरी, मानव तनेजा, विक्रम एरी, डॉक्टर सुभाष पप्पू आदि उपस्थित थे। उन्होंने दूजी बार भी मैं ये जिम्मेवारी सौंपी ता जो मैं सही तरीके नाल ये जिम्मेवारी नूं कर सकां ते मैं इन्हां दा तहे दिलों धन्नवाद करदा। ते कॉलेज लई इस साल साडी फैडरेशन ने 20 पक्खां दी मांग की सी ते उन्हां नूं असीं पूरा किया है ते उन्हां दे कहे ते असीं खरे उतरे हाँ। मैं इसलिए पारस जोशी जी का ते मंत्री अनिल जोशी जी का तहे दिलों धन्नवाद करदा उन्होंने मैं ये माण बख्शिया। मैं युवा पीढ़ी को यही कहना चाहना कि वह जिन्ना भी नशे तो दूर रहेंगे उन्हों की जिंदगी उन्नी ही सही रहेगी क्योंकि नशे विच सारा ही संसार डुबदा जा रहा है। इसलिए सारे यूथ नूं सब नूं अवेयर करना चाहिए है कि वह नशे तो दूर रहन तां जो अपनी जिंदगी नूं सही ढंग नाल जी सकन। मेरा नाम पारस जोशी है, मैं पंजाब प्रधान बीवाईएफ भारतीय यूथ फैडरेशन का पंजाब प्रेजिडेंट हाँ। तो जिस तरह कि 3 साल तो लगातार असी डीएवी कॉलेज अमृतसर हाथी गेट के प्रधान बनाते आ रहे हैं तो इस साल गुरसेवक हुंदल नूं दूसरी बार लगातार प्रधान डीएवी कॉलेज का बनाया गया है। पिछले साल इन्होंने वध तो वध गरीब बच्चों की सहायता की, नशे के खिलाफ इन्होंने रैली की, नशे के खिलाफ बच्चों जागरूक किया कि इस नाल नशे के नाल परिवार के परिवार ही ना कला वो इंसान जिहड़ा नशे करता बल्कि परिवार के परिवार डुब जाते हैं। तो नाल दी नाल ही जिस तरह प्रिंसीपल दे कॉलेज दे प्रिंसीपल दी मंग सीगी कि साडे कॉलेज लई तुसी कुछ साडे कॉलेज लई भी करो कि जिस तरह वो गरीब बच्चों की हैल्प करते हैं साडे नाल 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 तुरदे ने, बच्चों के फाइन माफ करते हैं तो गरीब बच्चों लई कई बार फीस भी घट दा दिंदे ने कि जिहड़े पढ़ाकू बच्चे ने तां कि वो वध तों वध अगे वध सकन। ते नाल दी नाल ही मैं सारे वीरां भरावां दा बहुत बहुत धन्नवाद करना चाहवांगा जिहड़े साडे नाल अज दे प्रोग्राम ते आए। सावन के महीने में तीज को मनाने की रस्म को कायम रखने के मकसद के साथ आज अमृतसर जिले में तैनात महिला अधिकारियों और अधिकारियों की पत्नियों की तरफ से मिलकर तीज का त्यौहार स्थानक होटल में मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर श्री रवि भगत की पत्नी डॉक्टर तरनदीप कौर की अध्यक्षता में इस त्यौहार को मनाया गया। इस मौके पर जिला ट्रांसपोर्ट अधिकारी लवजीत लक्ष्मी, सहायक कमिश्नर अमनदीप कौर, कमिश्नर कॉरपोरेशन श्री सभरवाल, पुड्डा इंचार्ज श्री संदीप ऋषि, एसडीएम रोहित गुप्ता आदि उपस्थित थे। तीज का त्यौहार पंजाबी मुटियारा भैणा वोटियां वास्ते बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। सावन के महीने में नवी व्याहियां ते कुवारियां जो रल बैठदियां सी अपने पेके पिंड जाके पींगा झूटदियां सी, वख वख तरह के पकवान खांदियां सी, एक दूजे के दुख दर्द सांझे करदियां सी और उस तो बाद गिद्दे पाउंदियां सी, नचदियां सी, गाउंदियां सी। उस त्यौहार नू एक बार दोबारा पेश करन दी अज असीं इत्थे कोशिश कीती है क्योंकि जिंदगी च कहिंदे आ स्ट्रैस बहुत वध गया और नाल दी नाल जिहड़ा एक ना कि असीं इत्थे कुछ खुशी दे पल बिताए सारिया ने इकट्ठे हो के अपने रुझेवियां तों दूर बल्कि पंजाबी विरसा असीं हौली हौली भुलदे जा रहे हां पछमी सभ्यता दे पिछे लग के उहनूं वी एक बार फिर तो जागरूक करन दी कोशिश कीती है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜੁਐਲਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਧੇ ਟੱਪੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਲੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੋ ਨਾ, ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰੋਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਿਲੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੇ ਕਸਬਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਕੀ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੇਂ ਬੈਂਕ ਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਮਿਨਹਾਸ ਕੋ ਬੈਂਕ ਕੇ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਪੂਰਵ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਕੇ ਚਲਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕਰ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੀ। ਬਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਰਡ ਅਕਸਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਮੇਂ ਡਿਊਟੀ ਪਰ ਬੈਂਕ ਮੇਂ ਆਤਾ ਥਾ ਔਰ ਕਈ ਬਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕਰ ਆਨੇ ਸੇ ਮਨਾ ਕੀਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕਰ ਆਤਾ ਰਹਾ ਤਥਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਮੇਂ ਦੇਰ ਸੇ ਆਨੇ ਕੋ ਲੇਕਰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੋ ਡਾਂਟਾ ਔਰ ਉਸਕੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਜਿਸ ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਮੇਂ ਆ ਕਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਬੰਦੂਕ ਸੇ ਮੈਨੇਜਰ ਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੀ। ਵਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਕੇ ਸ਼ਵ ਕੋ ਕਬਜ਼ੇ ਮੇਂ ਲੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੇ ਲੀਏ ਭੇਜ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਰੋਪੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੋ ਵੀ ਮੌਕੇ ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਬਿਨ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਮ ਐਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਟੀਚਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀ ਝਗੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਟਾਫ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਹੋਇਆ ਕੁਛ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬਦੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਲੀ ਫੜ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਰੱਖੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੋਲੀ ਛਾਤੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਖੋ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਨਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਨ ਵਜ੍ਹਾ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਅੱਗੇ ਬਸ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਰੈਸਟਡ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ ਕੀ ਰਸੋਈ ਮੇਂ ਭਾਰਤੀਏ ਟਮਾਟਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਔਰ ਅਦਰਕ ਜ਼ਾਇਕੇ ਕਾ ਰਾਜਾ ਬਨਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਮੇਂ ਅਬ ਭਾਰਤੀਏ ਰਸੋਈ ਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਿਆਜ਼ ਕੇ ਤੜਕੇ ਲਗੇਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਜ਼ ਕੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪਿਆਜ਼ ਕੇ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਬੜ ਗਏ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਕੀ ਕਮੀ ਕੋ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਿਆਜ਼ ਕੋ ਮੰਗਵਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਕੀ ਕੀਮਤੋਂ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਛੂਨੇ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈ ਛੁਆਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਕਭੀ ਮਿਲ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ। ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਕਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਿਆਜ਼? ਜੀ, ਪਿਆਜ਼ ਲਾਇਆ ਥਾ। ਆਜ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਕਰ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਟਰੱਕ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ੋਰਟ ਹੈ, ਅਭੀ ਤੋ 2-4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਜ਼ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਭੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਮੰਡੀਓ ਕੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਆਜ ਤਕਰੀਬਨ ਅਭੀ ਤੱਕ 25 ਗਾੜੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮੇਂ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੇ ਕਾਫੀ ਪਿਆਜ਼ ਆਨੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਕਰੀਬ ਔਰ ਚਲੇਗਾ ਪਿਆਜ਼, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਂ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਹੋਗਾ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟਸ ਡਾਊਨ ਆਏਗੇ। ਆਜ ਕੀ ਲੈਵਲ ਪੇ ਬਾਤ ਕਰੇ ਤੋ ਆਜ ਕੀ ਡੇਟ ਮੇਂ 35 ਸੇ 40 ਰੁਪਏ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਜੋ ਥੋਕ ਮੇਂ ਬਿਕਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਂ। ਦੇਖੀਏ, ਯੇ ਵਿਚੌਲੀਏ ਬੀਚ ਮੇਂ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਆਜ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਪੂਰੇ ਨੌਰਥ ਮੇਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ 80 ਰੁਪਏ ਕੇ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਭੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਕੁਛ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਭੀ ਇੱਕ ਦੋ ਇਲਾਕੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸੇ ਪਿਆਜ਼ ਆ ਰਹਾ ਹੈ। ਜਬ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਔਰ ਕਰੋਪ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਲਾਕੋ ਸੇ ਆਏਗੀ, ਮਾਨਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਅਭੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਸਾ ਖਰਾਬ ਹੁਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਪਿਆਜ਼ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੇ ਤੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਰੇਟਸ ਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗੇ। ਪਿਆਜ਼ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਜਾਂ ਜੋ ਹਮ ਲੋਕ ਨੋਰਮਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਪਿਆਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਤਨੀ ਹੈ? ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਮੰਥ ਤੱਕ, ਅਭੀ ਮੈਂ ਜੋ ਉਮੀਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਆਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਰੇਟ ਕਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਰਕ ਪੜੇਗਾ, ਜੈਸੇ 80 ਰੁਪਏ ਮੇਂ ਲੋਕੋ ਕੋ ਮਿਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਆਜ ਕੀ ਡੇਟ ਮੇਂ 40 ਔਰ 50 ਰੁਪਏ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਆਏਗਾ ਰੇਟ। स्वतंत्रता दिवस पर सीजे होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के मामले में पुलिस को कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। दरअसल 15 अगस्त को अमृतसर में सचखंड श्री हरिमंदर साहिब से सटे सीजे होटल के मालिक को एक फोन आया था जिसमें
कि होटल को बम से उड़ाने की धमकी दे दी गई थी, जिसके बाद इस मामले में जिले भर में अलर्ट जारी कर दिया गया था। लेकिन छानबीन पर पता चला कि जिन आरोपियों ने फोन किया था वह किसी आतंकी संगठन से संबंधित नहीं है। इस मामले में बस आपसी रंजिश के ही चलते इसको अंजाम दिया गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अब जल्द ही खुलासा किया जाएगा। ये सीजे होटल हैगा दरबार साहब के लागे, गलियारे के लागे। तो उत्थे 15 अगस्त की रात नूं किसे नंबर तो कॉल आई सी भी होटल नूं असी बंब नाल उड़ा देना। उस संबंध में असी काफ़ी पुछगिछ कर रहे हैं, नंबर भी ट्रेसिंग ते लागे ने साडे। उहदे असी 2-3 बंदे राउंड अप भी कीते आ। इस स्टेज ते असी कुछ भी डिस्कलोज़ नहीं कर सकते, पर जल्द ही इसका जो भी यदि सच्चाई है प्रेस के सामने रखांगे तो इसका खुलासा किया जाऊगा। नहीं, यहोजा कोई आतंकी संगठन नाल कोई सानू जिहड़े बंदे राउंड अप किए उन्होंने पुछगिछ तो कोई यहोजी कोई इनफॉर्मेशन बाहर नहीं आई है भी कोई आतंकी संगठन ने। जो अज तक साडी इनफॉर्मेशन है वो बंदियां दी लोकेशन भी ऐसे एरिए दे नेड़े तेड़े आई है, तो बंदे भी लोकल ने, तो मोस्टली एक शरारती अंसर की शरारती लग रही है। तो जल्दी असी इसका पर्दाफाश कर देंगे। नहीं, वो नंबर है जो आउट ऑफ पंजाब इशू है, पर जो नंबर वो चल रहा वो पंजाब च अमृतसर लोकली चल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हरमिंदर सिंह गिल ने कहा कि पट्टी विधानसभा क्षेत्र में अकाली दल ने गुंडागर्दी के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तरनतारन पुलिस का अकालीकरण हो चुका है। थाने में आने वाले व्यक्ति से पूछा जाता है कि वे अकाली हैं या कांग्रेसी, उसके आधार पर आपराधिक मामले दर्ज होते हैं। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में जल्द ही डीजीपी सुमेश सैनी से मिलेंगे। पट्टी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसियों का जीना दुभर हो गया है। साथ ही कहा कि अकाली दल पहले युवाओं को नशे से ग्रस्त कर रहा है, फिर नशा छुड़ाओ केंद्र खोल रहा है। कांग्रेसी लोगों को शरेआम सट्टा ला के उन्होंने कातलों ने हमले करके हमले करने वालों को पुलिस मैद कर दी है, और उन्होंने फड़न की बजाए साढ़े लोगों को दबाने वास्ते राजीनामे वास्ते प्रेसराइज करने वास्ते इन्हों के नजायज़ परचे दर्ज किए जाते हैं। 326 धारा के तहत 2 परचे दर्ज किए गए हैं। और मैं तो यह कहना चाहता कि साढ़े जे थाने ना कोई साडा SHO ना कोई DSP साडा टैलीफोन सुनने तैयार आ। वो कहते जी इतने तो आन के अकाली दल तो बिना कोई काम नहीं होगा। और मैं कहना चाहता कि साढ़े थाने अकाली दल के दफ्तर बन चुके हैं, और SSP साहब साढ़े जड़े ने वो कोई साड़ी गल सुनते नहीं। इनक्वायरियां मार करके कहीं किसी को इंसाफ नहीं मिले। सो असी यह गल कह वास्ते आए हैं कि जे इस केस के झूठे परचे 10 दिनों रद्द ना किए गए, दोषियों को फड़िया ना गया, तो असी 28 तरीक न DSP पट्टी के बाहर बहुत व्डे पद्धर से धरना मारा, जिसे पंजाब की लीडरशिप साड़ी शामिल होएगी। और असी पुलिस को ये कोशिश करा कि उन्होंने मौके पर लिया के कानून के मुताबिक संविधान के मुताबिक काम करने की असी मजबूर करिए। असी इतने पुलिस राज नहीं कायम होने देना, पुलिस का सियासीकरण नहीं कर देना। सरकार आउंदियां जांदियां रहिंदियां ने, पर पुलिस का काम जिहड़ा क्राइम नूं रोकण दा, जुल्म नूं रोकण दा, धक्केशाही नूं रोकण दा, वो पुलिस नूं करना चाहिए। साडा सरदार बनपाल सिंह पिंड जोड़ सिंह वाला साढ़े जी 6 नवंबर 2014 पिंड ही एक मुंडा दे नाल उहदे कोई होर बंदे सी, उन्होंने मेरे बेटे ते कातलाना हमला किया। असी इन्हू छुड़ाउण दी खातर मगर भजे गए, तो उन्हें साढ़े एक मेरे तो मेरे दो भतीजियां दे गोलियां मार दित्तियां। असी उत्थे डिग पए, उहदे 307 दा परचा दर्ज है। जिहड़े तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ना कोई बंदे शरेआम घूम रहे हथियार लैके तुरे फिरदे आ, उन्हां नूं कोई फड़ नहीं रहा, उल्टा साढ़े ते ही 26 दे 2 परचे दर्ज कर दित्ते आ। SSP साहब कोल गए तो उन्हें जी इक्को हल है जी, तुसीं परने खट्टे परने पा लो बस, आपका टाइम कड़ो। ये सानूं कोई जवाब मिलता जी, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। हाँ जी, अकाली दल नाल संबंधित आ गुरमुख सिंह कोला बलेर, उन्होंने लीडर है जी, वो सब कुछ कराउंड है। जनता को सुरक्षा देने में चाहे पुलिस असमर्थ हो गई है, लेकिन इस बीच अब पुलिस जनता के बीच जाकर लोगों का समर्थन मांग रही है, जिसके चलते अमृतसर पुलिस के द्वारा एक विशेष पुलिस पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कि जनता के साथ सहयोग करके अपराध के खिलाफ एक मुहिम की गई। दरअसल पिछले कुछ समय में अमृतसर आपराधिक ग्राफ बहुत बढ़ गया है। आलम ये है कि आम जनता के बीच पुलिस की नकारात्मक भूमिका है। इस पर पुलिस ने कहा कि जो मुश्किलें हैं उनको मौके पर ही हल किया गया है, और जो भी मुश्किलें हैं उन्हें हल करने के आदेश दिए गए हैं। जी, आज ऐसी मीटिंग की थी है, पुलिस दा ते पब्लिक दे विचले रिलेशंस नूं होर बेटर करन वास्ते, उन्हां दीआं जिहड़ीआं को प्रॉब्लम्स उन्हां नूं सॉर्ट आउट करन वास्ते, जिहड़े साडे पुलिस दे जिहड़े असी होर वध तों वध नवें उपराले नवें जो भी असी कार्ज कर रहे हैं उन्हां तक पहुँचाने वास्ते, आपसी रिश्ते नूं होर सुधारन वास्ते मीटिंग की। नहीं, इहो जी कोई गल नहीं, साडियां पुलिस पब्लिक दी मीटिंग्स आम तौर पर चलदियां रहिंदियां, असी महीने दे विच 2-3 मीटिंग्स असी करदे रहिंदे। अज इन्हां दी प्रॉब्लम देखियां कोई ट्रैफिक दे रिलेटिड,
कोई पार्किंग जानिया भी उन्होंने रिलेटिड जो भी इन्हों प्रॉब्लम सगिया वो असी मौके पर ही सॉर्ट आउट की गई जो जिहड़े जिहड़े ऑफिसर जो दिशा निर्देश देने से वो मौके पर दिए गए नहीं योजी कोई गलबात नहीं कोरी एक अफवाह सी जिहड़ा एक लोकल शरारती अंसर वालों किया गया काम है वो बारे तफ्तीश जारी है जो भी सामने आएगा वो तुम्हें जल्दी दस दिता जाएगा वो सी जे इंटरनेशनल होटल द सी जे इंटरनेशनल है मालक के मुंडे को फोन आया बारे छानबीन की जा रही है तो जल्दी ही खुलासा कर दिया जाएगा। 21 अगस्त को रिलीज होने जा रही पंजाबी फिल्म मुंडे कमाल दे की टीम फिल्म की प्रमोशन के लिए गुरुनगरी अमृतसर पहुंची। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे पंजाबी इंडस्ट्री के चहेते सितारे अमरिंदर गिल, बीनू टिल्लो, युवराज हंस, जसविंदर पल्ला, बी एन शर्मा, करमजीत अनमोल, मैंडी, अवतार गिल, प्रभजीत कौर, विजय टंडन, रघुबीर बोली और जतेंद्र कौर। उन्होंने बताया कि ये फिल्म काफी कॉमेडी मूवी है और ये दर्शकों को बेहद पसंद आएगी। नहीं रीमेक नहीं है, कैरेक्टर्स उतना दे है, बट ओदी स्टोरी डिफरेंट सी जी, ये स्टोरी डिफरेंट है, इन्हां दे कुछ हालात उन्हां तो ज्यादा बदतर है थोड़ा मैं देखी नहीं मूवी बट मैं सुनया सीगा कि मैंने कई ने पूछा भी ईवन मेरे फ्रेंड्स ने भी पूछा यार वो नाल की तो नहीं वो कॉपी तो नहीं बट मैं ये लगता कि जितों तक असी बनाई है बिल्कुल भी उन्ना रेलेवेंस नहीं गा एक्सैप्ट तो कैरेक्टर वो गुंगा बहरा से इन्ना सी बट बाकी साड़ी स्टोरी डिफरेंट आ साड़ी सारी स्क्रीन प्ले अलग आ बिल्कुल जी असं दे रहे हैं ऑलरेडी दे रहे हैं और साड़ी ऑडियंस जी साड़ी पंजाबी ऑडियंस वो बहुत सपोर्ट कर रही है हम पिछले दो तीन फिल्म सरदार जी हो गए अंग्रेज हो गए बहुत वधिया हुंगारा मिला उन्हें साड़ी इंडस्ट्री होर बूस्टअप हुई है भाजी कॉमेडी का नहीं घट रहा होंगे माड़ी फिल्म हो गई ना जी भावी कॉमेडी बना लो सीरीयस बना लो उन्हें इदा ही होना कॉमेडी फिल्म चल दी साड़ी भी चलिए मेरी मोस्टली कॉमेडी सी जो अच्छी फिल्म हो गई ना वो चल ही जानी होंगी माड़ी फिल्म तुम मर्जी कर लो भाव जो मर्जी सबक कर लो वो नहीं चलनी बट एक कॉमेडी फिल्म भी अच्छी तरह बनाई हो अच्छी तरह निभाई हो सो भी चलू बहुत डिफिकल्ट होंगे स्पेशली साडे लिए क्योंकि असं शुरू तो बोलते आ रहे हैं सानू पता नहीं साइन लैंग्वेज की होंगी बट मैं अमित भाजी ने स्पेशली अमित भाजी जी डायरेक्टर साहब भारत पाकिस्तान के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत से पहले पाकिस्तान ने एक बार फिर अलगाववादियों से बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खबर है कि पाकिस्तानी उच्च आयोग ने हुर्रियत नेताओं को बातचीत का न्योता भेजा है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से मिली इजाजत के बाद कल आतंकी नावेद का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ। नावेद ने झूठ पकड़ने वाली मशीन के सामने माना है कि वह पाकिस्तानी है। उसने लश्कर कैंप में 50 नौजवानों के साथ ट्रेनिंग ली है। बीएसएफ की टीम पर नशे की हालत में उसने हमला किया था। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में खराब प्रदर्शन से हरभजन सिंह दबाव में आ गए हैं और भारत के पूर्व स्पिनर वेंकटपति राजू का मानना है कि ये अनुभवी ऑफ स्पिनर वापसी में अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के चक्कर में फ्लॉप रहा। एक्ट्रेस राधिका आप्टे बॉलीवुड की चौथी एक्ट्रेस हो गई हैं जिसने साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के साथ फिल्म साइन की है। रजनीकांत ने हाल ही में इंडस्ट्री में अपने 40 साल पूरे किए हैं। राधिका से पहले ऐश्वर्या राय बच्चन, दीपिका पादुकोण और सोनाक्षी सिन्हा ने रजनीकांत के साथ काम किया है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ऐतिहासिक गुरदासपुर साहिबानों की विरासती की संभाल का कमेटी के प्रधान सरदार अवतार सिंह मक्कड़ ने लिया फैसला। गुरदासपुर में देना बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने की मैनेजर की हत्या। तरनतारन पुलिस कांग्रेसियों को फंसा रही है, कहा हरविंदर सिंह गिल ने। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।